वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर। रिश्वतखोर फरार डीएसपी पहुंचा जेल, सुप्रीम कोर्ट से अभी कम नहीं हुई थी सजा। 2017 से चल रहा था फरार, लोकायुक्त पुलिस ने भोपाल से किया गिरफ्तार। दमोह के अजाक्स थाने में 2003-04 में पदस्थ रहे रिश्वतखोर रिटायर्ड डीएसपी राजकुमार जायसवाल को लोकायुक्त पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जिसे जेल भेज दिया गया है। सागर लोकायुक्त टीआई मंजू सेन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अजाक्स डीएसपी रहते हुए एक प्रकरण में जायसवाल ने दमोह के डॉक्टर पीताम्बर बुधवानी से एक मामले में रफा दफा करने के एवज में 25,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। उन्होंने लोकायुक्त में शिकायत की थी, जिसके बाद जायसवाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। दमोह न्यायालय में मामला चला और 2007 में उसे 2 साल की सजा सुनाई गई थी। जायसवाल ने इसके बाद हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपनी सजा माफ कराने के लिए केस लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा को यथावत रखते हुए 2017 में अपना फैसला सुनाया। उस समय जायसवाल जमानत पर था और इसी दौरान वह फरार हो गया। तब से लेकर अभी तक वह फरार था। कुछ दिन पूर्व लोकायुक्त पुलिस को खबर मिली कि जायसवाल भोपाल में छिपा हुआ है। उन्होंने एक टीम गठित की और उसे गिरफ्तार किया। बुधवार को दमोह न्यायालय में पेश किया गया। जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के बाद उसे जेल भेज दिया गया। इस संबंध में लोकायुक्त टीआई मंजू सिंह का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। लोकायुक्त का प्रकरण था और जिसमें लोकायुक्त के प्रकरण में आरोपी को सजा हो गई थी। सजा होने के बाद ये हाईकोर्ट अपील में गए थे। अपील से इनकी कुछ सजा माफ़ हो गई थी और शेष सजा भुगतने के लिए इनको सरेंडर करना था, परंतु इन्होंने सरेंडर नहीं किया, जिससे विशेष न्यायालय द्वारा इनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। उक्त गिरफ्तारी वारंट के पालन में आज इन्हें गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया और जो प्राप्त वारंट है उसके पालन में इनको हम जेल दाखिल करने के लिए ले जा रहे हैं। कहाँ से गिरफ्तार किया? इनका निवास है संजीव नगर भोपाल, वहाँ से इनको अरेस्ट किया गया। हाँ तो ये मैंने बताया ना, लोकायुक्त का प्रकरण, ये अंडरस्टूड है कि लोकायुक्त का प्रकरण मतलब भ्रष्टाचार से रिलेटेड है, तो धारा 7, 13(1)(d), 13(2) का प्रकरण था जिसमें आज इनको गिरफ्तार किया गया, मतलब गिरफ्तारी वारंट के पालन में।